हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आई एम योर मैथ्स टीचर शशि बाला और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया है इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल सी डी। तो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम ऑलरेडी दी हुई है और आपको क्या दिया है, आपकी जो लाइन है ए बी वो सी डी के पैरेलल है और उसी के साथ आपको दिया है एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री। तो ए पी क्यू आपका एंगल जो है, ये है एंगल आपका ए पी क्यू, ये है आपको 50 डिग्री दिया हुआ और उसी के साथ एंगल पी आर डी 127 डिग्री दिया है। तो आपका एंगल जो है पी आर डी, तो ये एंगल आपका जो है ये 127 डिग्री है और आपको फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यूज। तो आपका एक्स जो है, ये एंगल जो है ये एक्स है और यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपको दिया हुआ है वाई। तो आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी है। तो हमें जो उन्होंने दिया है हम उसी को यूज़ करेंगे। तो उन्होंने हमें दिया है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। तो आप देखिए, आपने जो भी पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट पढ़े हैं तो उसमें जो भी एंगल्स बनते हैं तो आप उन सभी एंगल्स को जानते हो। तो आप देखिए, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है 50 डिग्री और ये एंगल है आपका एक्स डिग्री। तो आप मुझे बताइए, ये जो है ये कौन सी शेप बना रहे हैं, ये एंगल्स है सी डी और ये आपका पॉइंट पी है और ये क्यू है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है तो ये कौन सी शेप बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जेड शेप। तो आपने पढ़ा है जब भी कोई लाइंस पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट करती है और जेड शेप में जो एंगल्स बनते हैं वो कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो जिसे हम बता देंगे कि ये जो एंगल एक्स है इसकी वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बना रहा है और अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम यूज कर लेंगे कंसेप्ट जो उन्होंने हमें दिया है, सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड अब कौन सी ट्रांसवर्स से यूज करेंगे हम, पी क्यू। पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफोर आपका जो एंगल एक्स है ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो देखिए क्लियरली आपका जो एक्स है वो कितना निकल गया यहाँ पे, 50 डिग्री। अब उसके बाद हम यूज करेंगे दोबारा से यही कंसेप्ट, लाइन ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। आपकी लाइन ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल आपको गिवन है। अब देखिए पी आर जो है ये भी तो ट्रांसवर्सल है ना, ये जो पी आर है ये भी क्या है, ये भी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे आपका ये एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा, तो ये भी कौन सी शेप बना रहे हैं, जेड शेप बना रहे हैं ना ये, और यहाँ पे आपका एंगल कितना है, 127 डिग्री है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ जो एंगल बन रहा है ये दो एंगल का सम बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल है, ए पी आर एंगल जो है ये दो एंगल का सम है यहाँ पे। तो दोनों एंगल का जो सम है वो क्या है, 50 प्लस वाई, तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं अभी, अगेन ए बी पैरेलल सी डी एंड अभी ट्रांसवर्सल कौन से यूज कर रहे हैं हम, पी आर। पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफोर अभी हम कंप्लीट एंगल लिख लेंगे ए पी आर, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी ये भी क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप देखिए ए पी आर जो है ये टू एंगल्स का सम है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री प्लस
वाई इज इक्वल टू, और पी आर डी आपको कितना गिवन है 127 डिग्री, तो ये यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। अब आपका वाई एंगल जो है ये कितना आ जाएगा 127 डिग्री, 50 ऐड हो रहा है वाई में, अगर हम उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -50। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 77 डिग्री। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज निकल गई, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 77 डिग्री। देखिए कितना इजी है इसको करना।